क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ा है गर्मा गर्म मज़ेदार जो खुशबुएं बिखा रहा है पूरे घर में, ये है सूजी का हलवा। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हलवा पूरी में आप हलवा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाती हैं अपनी आज की रेसिपी। ओके गाइस, सबसे पहले मैं इसके अंदर 5 to 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर एक छोटा कप सूजी का वो डाल दूँगी। ओके गाइस, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि भुनाई करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हमारा सूजी है वो नीचे चिपके ना, और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आएगी। ये देखें गाइस, हमारे इस सूजी ने कितनी प्यारी कलर निकाला है। लाइट लाइट सा इसका ब्राउनिश कलर हो चुका है। अब ये ऐसा मोमेंट है कि यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी यानी कि शुगर। तो इसके अंदर मैंने 1 कप जो है डाला है अपना हलवा। तो आप देख लीजिएगा आप शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं या नहीं, तो इसके मुताबिक मैं जो हूँ 1 स्मॉल कप ही इसके अंदर शुगर का ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस, अब मैं इसके अंदर जो हूँ थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से। ओके गाइस, अब मैं इसके अंदर कम से कम जो हूँ मैंने 1 कप जो है बड़ा भर के पानी का डाला है ताकि जो सूजी है वो पक जाए अच्छे तरीके से। आप अपने मुनासिबत से देखिएगा कि आप पानी जो है वो कितना डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर एक छोटे कप के अंदर, आपने देखा था कि मैंने एक छोटा कप जो है वो सूजी का यूज़ किया था, इसके अंदर मैंने एक बड़ा कप भर कर जो है वो मैंने पानी का डाला है। और मैं चाशनी नहीं बना रही हूँ इस सूजी के हलवे की, क्योंकि कुछ लोग जो है वो चीनी और पानी का जो शीरा है वो अलग से बना के इसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ही ऐड किया है। आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे। तो हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं तो हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। ओके गाइस, अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, ठीक है, जब तक ये पानी जोश में नहीं आएगा उसको मैं पकने दूंगी, ठीक है। गाइस, ये देखिए, ये मेरा हलवा इतना खूबसूरत तरीके से बबल्स जो है इसको शो कर रहा है, इसका मतलब है ये पक चुका है अच्छे तरीके से। ओके गाइस, आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है मैंने थोड़े से बादाम इनको क्रश करके मैंने ये डाल दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, काजू, मेवा, एज योर विश। ओके, बस अब ऑलमोस्ट मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है, बस मैं थोड़ा सा इसको मिक्सअप करूँगी और फिर डिश आउट करूँगी। उम्मीद करती हूँ गाइस आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हलवा जो कि आप वैसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, या ये वो हलवा जो आप हलवा पूड़ी के साथ खाते हैं। तो गाइस, इसको खाइए, पूड़ियाँ बनाइए मज़े मज़े की, जैसे कि मैंने आपको रेसिपी ऑलरेडी शो की है, ऊपर लिंक शो कर देती हूँ मैं। आप उसको क्लिक करके देखिए कि कैसे बनानी है मज़े मज़े की पूड़ियाँ और खाएँ उसको मज़े मज़े के साथ, छोलों के साथ और पूड़ियों के साथ। तो चलिए गाइस, इसी चीज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।